एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप जितने भी डाउट्स कमेंट करेंगे उन डाउट्स का सारा जवाब मैं एक साथ वीडियो में कंपाइल करके दे दूंगा। तो लगभग 12 या 15 डाउट्स आए मेरे पास, तो उन सारे डाउट्स का क्लियरेंस मैं अभी आपको अगले वीडियो में आगे वीडियो में लिखेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत लोगों के बहुत तरीके के डाउट्स होते हैं, तो हो सकता है उनमें से एक डाउट आपका भी हो जो आपने पूछा ना हो। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट होता है आपको तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, या आप मेरे सीजल लग्जी बाइक के जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन करके वहाँ कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आप वीडियो देखिए, बाय। जैसे कि पहला डाउट है, फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट हैव अ सेम क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल स्टेट्स और डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। तो भाई जो टायर वन एग्ज़ाम होगा आपका, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो ऑल इंडिया सेम होगा, लेकिन जो टायर टू एग्ज़ाम होगा वो डिपेंड करता है आपकी लोकल लैंग्वेज पे। आपका अगर लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। आपने अपना लोकल लैंग्वेज उड़िया डाल रखा है तो उड़िया से इंग्लिश में, इंग्लिश से उड़िया में, उर्दू से इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू में, इस तरीके से ये आपका टायर टू का एग्ज़ाम होगा। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट है उनका ही, सर आईबी पैटर्न के बारे में बताएं। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली है उसमें कंप्लीट डिटेल दे रखा है मैंने कि एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या है और उसकी तैयारी कहाँ से करनी है और कितनी अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तीसरा है, सर TCS एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, सो TCS NCERT से क्वेश्चंस लेंगे, क्या पैटर्न चेंज करने, क्या आपको परेशान नहीं होना है। जिस किताब के बारे में मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में, आपको सिर्फ उसी किताब को पढ़ना है और एग्ज़ाम आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा तोपची एग्ज़ाम नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला और देखते हैं, चिन्मय किस सागर ने क्या पूछा है, सर बुक लिस्ट या रिकमेंडेड वीक बुक्स बता। आपको मैंने बताया इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, इसमें मैंने बुक लिस्ट दे रखी है, उसमें मैंने पैटर्न दे रखा है, उसमें मैंने ये बता रखा है कि आपको टेस्ट मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। आप उस वीडियो को देखिए और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक वीक में कितने दिन होते हैं काम, तो ब्रदर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसको हम आईज एंड ईयर ऑफ इंडिया बोलते हैं, मतलब कि भारत का आँख और कान है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो हम जिंदा हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ काम क्या है। आपको नटसेल में बता दूँ कि वहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको काम कितना करना है, सिंपल। अगला डाउट पूछ रहा है हितेश कुमार जी की, सर इसमें हाइट भी मांग रहा है क्या, हाइट का कोई लोचा नहीं होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा आप वहाँ से अपना मेडिकल करा के लेके जा सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद से मेडिकल नहीं कराता, जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट होगा होम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आप सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल करा के लेके जाएंगे। अगला है डाउट इनका, आईबी में कितनी पोस्ट होती हैं, कौन कौन सी पोस्ट और सबसे ज़्यादा पावर की पोस्ट पर क्या है। अरे भाई, आईबी का सारे पोस्ट पावरफुल होते हैं अपने जगह के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से। आईबी जो चलाती है वो इंडियन पुलिस सर्विस चलाती है, लेकिन जो आईबी का अपना एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है वो होता है सबसे छोटा सिक्योरिटी असिस्टेंट, दूसरा होता है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड टू, फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड वन, फिर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड टू जिसको ACIU 2 बोलते हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हुआ था, फिर होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड वन जिसको ACIU 1 बोलते हैं, जो कि 4800 रेट पे होता है। उसके बाद जो गजेटेड पोस्ट होती है वो DCIU होती है, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये आईबी की एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं। इसके बाद से जो पोस्टेड होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है उसके बाद, वो होते हैं IPS लोग। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सबके पास अपना पावर होता है, सब अपने एरिया के हिसाब से अपने पावर को डिसाइड करते हैं। अगला है, क्या कलर ब्लाइंड स्टूडेंट एलिजिबल हैं प्लीज़। देखिए भाई, अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आईबी आपका कलर ब्लाइंड चेक नहीं करेगा। अगला है, सर मैंने दिल्ली से फॉर्म भरा है लेकिन मैंने ओरिजिन बिहार डाला है, तो जॉब बिहार में लगेगी। भाई आप जिससे फॉर्म भरेंगे, जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे, आपको उसी जोन में पोस्टिंग रहेगी अगले 8 से 10 साल तक। आर्मी सर, जय हिंद। सर एक्स सर्विस मैन को बेसिक पे कितनी मिलती है, पे प्रोटेक्शन मिलता है कि नहीं। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नौकरी से टेक्निकल रिजिग्नेशन दे के आएंगे तो आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आप टेक्निकल रिजिग्नेशन दे के नहीं आएंगे, कंप्यूटर रिजिग्नेशन दे के आएंगे, तो जिस बेसिक पे पे आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट है 21,700, आपको वही बेसिक पे मिलेगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सुंदर तनवर जी पूछ रहे हैं कि सर अगर कोई पहले गवर्नमेंट जॉब में है और उसने फॉर्म फ्रेश मोड से भरा है, उसमें गवर्नमेंट जॉब शो नहीं है, तो आगे कोई दिक्कत होगी। कि भाई साहब, आईबी के फॉर्म से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, आईबी आपकी 360 वेरिफिकेशन करती है। जब सुखराज संधू जी पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्स कोटा भी है सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई स्पोर्ट्स कोटा नहीं होता है, वहाँ पे सारे फ्रेश वैकेंसीज होती हैं, सारे फ्रेश ज्वाइनिंग होती है,
या तो डेप्यूटेशन होता है, स्पोर्ट्स नहीं होता वहाँ। चंद्रशेखर यादव जी पूछ रहे हैं सर इंग्लिश ट्रांसलेशन किस तरीके से होती है। देखिए सिंपल होती है, आपका जो लैंग्वेज होगा लोकल लैंग्वेज जो आपने ऑप्ट की होगी उसी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और इंग्लिश से उसी लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना होगा। 500-400 वर्ड के पैराग्राफ्स होते हैं उसको ट्रांसलेट करना होता है। जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मेनली मैं जहाँ तक मुझे पता है कि पॉलिटिकल पैराग्राफ्स ही आते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन आपकी लोकल लैंग्वेज से आपके इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में चेंज करना वाला इजी होता है, तो आप कर लेंगे, डोंट वरी। बस साफ साफ लिखिएगा, मैंने पहले ही बताया साफ साफ लिखिएगा। तो यही इतने डाउट्स थे।